सत श्री अकाल, मैं ऐश्वर्या गुप्ता और मेरे साथ मौजूद है वैशाली और दीक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं टेलीविजन की कुछ लेटेस्ट अपडेट और सबसे मजेदार सीरियल जो चल रहा है इमली का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले। तो वैशाली, आप क्या कहना चाहते हैं इमली के बारे में? इमली हम सभी ने अपने बचपन में खाई और मुझे तो अब खाना बहुत पसंद है। तो आपको बता दूं, इमली का फ्लेवर होता है खट्टा होता है, मीठा होता है, कभी कभी अगर खराब इमली मिल जाए तो कड़वी भी हो जाती है। लेकिन ये जो सीरियल वाली इमली है ना, इसमें इतने सारे फ्लेवर्स हैं, इतने सारे टेस्ट है, जिससे भाई फैंस इस सीरियल से बिल्कुल बंद चुके हैं। इसमें इमोशन है, इसमें ड्रामा है, इसमें एक्शन है, इसमें थ्रिल है, इसमें ब्रेकडाउन है, इसमें पैचअप है। और ये जो इतना मसाला मेकर्स ने बनाया है ना, फैंस को भी काफी पसंद आ रहा है। और आप भी देख रहे होंगे कि किस तरह से सीरियल इमली फैंस को न सिर्फ पसंद आ रहा है बल्कि टीआरपी की लिस्ट में भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज हम आपको इमली के बारे में ही कुछ लेटेस्ट अपडेट्स और अपकमिंग स्पॉइलर्स देने वाले हैं, क्यों दीक्षा? तो आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, अब आप लोग यही सोच रहे हैं? बिल्कुल। आज के एपिसोड से पहले आप लोगों को गाने की याद दिलाऊं? किसी गाने की? कौन से गाने? दिलाऊं? अच्छा वही, अब लौट चले, यही वाला गाना। अब इसी से रिलेटेड जो है ना, आज के एपिसोड में होने वाला है, क्योंकि आज आने वाले हैं आदित्य, आर्यन और इमली। जी हाँ, और ये आने वाले हैं आतंकवादियों से बचकर, सारी परेशानियों से बचकर एक बार फिर से घर में आने वाले हैं। घर में तैयारियां तेज हो गई हैं इनके वेलकम की और हर कोई इनके सही सलामती की दुआ जो कर रहा था, उनकी दुआ कबूल हो गई है। तो आने वाले एपिसोड में भी थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ मालिनी ने जिस तरह से एक लीगल नोटिस भेज दिया था जिसमें वो आदित्य से प्रॉपर्टी की मांग कर रही है, साथ ही साथ अनु घर वालों से माफी मांगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो माफी क्यों मांगेगी, ये हम नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको सीरियल देखना पड़ेगा। और आप भी आज का ये एपिसोड देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप इस सीरियल के लिए आखिर कितना एक्साइटेड हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।